हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हमने अपना जो चैप्टर स्टार्ट किया था, जो सेकंड चैप्टर है, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, और उसके अंदर मैंने आपको करवाया था गुडविल, और गुडविल में भी मैंने आपको करवाया था मेथड्स ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल, जिसके अंदर एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड मैंने दोनों करा दिए हैं। और जब मैंने आपको ये दो मेथड्स कराए थे, तो देखिए आपको पता है कि भाई एवरेज प्रॉफिट मेथड, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आपने सीख लिया कि भाई एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं और वेटेड एवरेज प्रॉफिट से हम कैसे करते हैं। अगर आपको बिल्कुल सिंपल सा आपको अगर प्रॉफिट गिवन है, तब तो कोई दिक्कत आएगी नहीं कि भी आराम से आप जितने भी इयर्स का प्रॉफिट गिवन है उतने इयर्स का प्रॉफिट लेके एवरेज प्रॉफिट निकाल के और नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज आपके गिवन होंगे उससे मल्टीप्लाई करके गुडविल की वैल्यू निकाल दोगे। लेकिन दिक्कत हमें कब आएगी, जब हमारी गिवन होगी एडजस्टमेंट। और जब मैंने आपको दोनों ही मेथड्स कराए थे, तो मैंने एक दो इलस्ट्रेशन भी आपको कराई थी और उसमें हमने क्वेश्चन भी यहां पे सॉल्व किए थे जिनमें आपकी एडजस्टमेंट गिवन थी। तो आज बेसिकली हमारा जो टॉपिक रहने वाला है उन्हीं एडजस्टमेंट को लेकर हमारा टॉपिक है, उन्हीं एडजस्ट पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जो एडजस्टमेंट मैं आपको बताऊंगी आपको मोस्टली यही एडजस्टमेंट अपने क्वेश्चन के अंदर मिलेगी। और अगर आपको इनके ट्रीटमेंट का पता है कि भाई इनको कैसे सॉल्व करना है इन एडजस्टमेंट को, तो फिर आप आराम से अपना जो एडजस्टेड प्रॉफिट है उसको निकाल लोगे। और अगर आपने एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लिया, तो फिर आप आराम से जो एवरेज प्रॉफिट है या फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट है उसको निकाल लोगे, और उसके बाद गुडविल तो फिर आप निकाल ही सकते हो। तो भाई जो ये एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट बेसिकली हम क्यों करते हैं, जो एडजस्टमेंट हमारी गिवन होगी जो कि आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी, तो ये बेसिकली क्यों है, टू फाइंड द करेक्ट प्रॉफिट। ठीक है, टू फाइंड द, हम एडजस्टमेंट हमारी गिवन होगी हम क्यों करते हैं, टू फाइंड द करेक्ट प्रॉफिट या फिर करेक्ट प्रॉफिट, या फिर मैं बोल सकती हूँ जो एडिशनल एडजस्टमेंट आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, इन एडजस्टमेंट को लेकर हम क्या करेंगे, हमारा जो एडजस्टेड प्रॉफिट है, एडजस्टेड प्रॉफिट है उसको कैलकुलेट करेंगे। पहले एडजस्टेड प्रॉफिट हम निकालेंगे, जो हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा फिर वहां से हम एवरेज प्रॉफिट, अगर एवरेज प्रॉफिट कहा है तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, और अगर वेटेड एवरेज कहा है तो वेटेड एवरेज निकाल लेंगे। तो ये एडजस्टमेंट हमारी कौन कौन सी है, आप चाहो तो मेरे साथ साथ नोट डाउन कर सकते हो। तो सबसे जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है, ठीक है, जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है वो हमारी क्या है, अब नॉर्मल गेन। ठीक है, अब नॉर्मल गेन का हमारा बेसिकली क्या ट्रीटमेंट होगा, अगर अब नॉर्मल गेन है तो उसको हम क्या करके दिखाते हैं, डिडक्ट हम उसको करेंगे। ठीक है, अब नॉर्मल गेन में हमारा बेसिकली क्या क्या आएगा, ठीक है, कि भाई अगर हमें जैसे प्रॉफिट ऑन द गेन या गेन या फिर प्रॉफिट कुछ भी आप लिख सकते हो, प्रॉफिट या फिर गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। मैं ना आपको बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से मैं आपको बताऊंगी कि भी हमने इसको डिडक्ट है क्यों किया है। तो मैंने क्या बताया, अब नॉर्मल गेन में हमारा क्या आएगा कि भी जैसे एक तो ये आ जाएगा, अगर हमने फिक्स्ड एसेट है, ठीक है, उसको हमने सेल किया, उस पर अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो वो हमारा क्या होगा, अब नॉर्मल गेन होगा। उसको हम जब एडजस्टेड प्रॉफिट हम निकालेंगे तो उसको बेसिकली हमें क्या करके दिखाना है, डिडक्ट करके दिखाना है। इसी के साथ ही अगर आपका गिवन है इनकम टैक्स रिफंड, ये भी आपका किसके अंदर आएगा, ये भी एक तरह से आपका अब नॉर्मल गेन ही होगा। ठीक है, और इसमें आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट इनकम अगर आपकी गिवन है, तो वो भी हमारा बेसिकली क्या बन जाएगा, अब नॉर्मल गेन हमारा बन जाएगा। तो इसको हमें क्या करना है, अब नॉर्मल गेन को हमें डिडक्ट करके दिखाना है। मैं एक एक आइटम यहाँ पे लिखूंगी और उसको साथ के साथ में यहाँ पे सोल्व कराते चलूंगी। ठीक है, एक एक आइटम। अब देखिए पहला हमने क्या लिया है, अब नॉर्मल गेन, और उसके बाद है ना लास्ट में वीडियो के लास्ट में ना फिर मैं आपको एक फॉर्मेट भी बनवा दूंगी कि भी इनको अच्छे से लिखवा के दिखवा दूंगी यहाँ पे, आप नोट डाउन कर लेना कि भी किस किस को हम ऐड करेंगे, किस किस को माइनस करेंगे। एक बार आप इनको अच्छे से समझिए कि भी हमने इसको क्यों ऐड किया है। अब देखिए मैं इसको ना आपको एक छोटे से क्वेश्चन से एग्जाम्पल हम लेंगे उससे समझाऊंगी कि भी जो अब नॉर्मल गेन है उसको हम डिडक्ट क्यों करते हैं। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल 2020, 2021, 2022 और 2023, ठीक है, इनका प्रॉफिट हमारे पास गिवन है। फॉर एग्जाम्पल हमारा प्रॉफिट गिवन है 2020 का, हमारा प्रॉफिट गिवन है 40,000, और 2021 का गिवन है हमारा 50,000, और ये फिर हमारा गिवन है 45,000, और इधर हमारे 65,000 गिवन है। ये क्वेश्चन गिवन है और उन्होंने कहा कि भी आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड से जो गुडविल है उसका वैल्यूएशन करना है, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज रहेंगे, ठीक है, वो आपको लेना है यहाँ पे 3, ठीक है, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज लेना आपको 3। अब देखिए आपने सोल्व किया, आपने यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया। एवरेज प्रॉफिट आपको पता ही है कैसे निकालते हैं हम, सम ऑफ
ऑल जो ईयर्स है इनका जो प्रॉफिट गिवन है इनका सभी का सम कर लेंगे, टोटल प्रॉफिट हम लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ द ईयर से। तो यहाँ पे जब हम सम लेंगे तो आप इसको ऐड करो 40 + 50 = 90 और 1 लाख ये हो जाएगा, ठीक है 1,10,000, तो ये आ जाएगा आपका 2 लाख, 2 लाख आएगा टोटल जब हम इन सभी को ऐड करेंगे। और नंबर ऑफ ईयर्स टोटल हमारे कितने ईयर्स गिवन है, 1, 2, 3, 4, 4 से हम इसको क्या करेंगे डिवाइड, तो ये आएगा हमारा जो एवरेज प्रॉफिट आएगा 50,000 आएगा, ठीक है एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आएगा 50,000 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं गुडविल निकाल देती हूँ, अब गुडविल मेरी कितनी निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट 50,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ द ईयर्स 3, तो गुडविल आई है मेरी 1,50,000, आया इतना समझ में आपको। अब देखिए अब चेंज क्या क्वेश्चन में, ये हमारे नॉर्मल प्रॉफिट गिवन थे, ठीक है कोई भी एडजस्टमेंट हमारी गिवन नहीं थी, बट अब सेम मैंने यही डेटा लिया, अब हम यहाँ पे कुछ मिस्टेक करेंगे या मैं ये कहूँ कि अब ये जो प्रॉफिट है ना अब इनमें हम ना कुछ मिलावट करेंगे। और एडजस्टेड प्रॉफिट का मतलब क्या है, या फिर प्योर प्रॉफिट या फिर करेक्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है कि भी जो प्रॉफिट में मिलावट है उसको दूर कीजिए और फिर सही प्रॉफिट निकालिए। अब देखिए गलती क्या हुई, अभी यही सेम हमारा क्वेश्चन है, उसका देखिए क्या इफेक्ट आपका पड़ेगा, ठीक है और फिर क्यों हम जो गेन है उसको डिडक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि 2021 के अंदर, ठीक है यहाँ पे मैंने गेन लिया ना, तो गेन में देखिए फॉर एग्जाम्पल 2021 हमारा जो ईयर है इसके अंदर हमें यहाँ पे अबनॉर्मल गेन हुआ, ठीक है अबनॉर्मल हमें यहाँ पे क्या हुआ गेन, और अबनॉर्मल गेन हमें कितने का हुआ, मैं लेके चलती हूँ 1 लाख का हमें अबनॉर्मल गेन हुआ, ठीक है। और अब देखिए 2021 के अंदर अगर मुझे अबनॉर्मल गेन हुआ है 1 लाख का, तो अब मैं यहाँ पे क्या दिखाऊंगी, 2021 में मैंने अपना प्रॉफिट दिखा दिया है 1,50,000। देखिए मेरा क्योंकि जो एक्चुअल में जो प्रॉफिट था मेरा, एक्चुअल में प्रॉफिट था मेरा 2021 में था 50,000 अगर मैं सही लेके चलती, बट मेरा 2021 में अबनॉर्मल गेन हुआ और मैंने गलती कर दी, मैंने इस अबनॉर्मल गेन को अपने प्रॉफिट में ऐड करके दिखा दिया, अब ऐड करके दिखा दिया तो इस वजह से अब 2021 का मेरा जो प्रॉफिट है वो कितना है 1,50,000, ठीक है आई बात समझ में जी मैम। अब देखिए या तो आप डायरेक्ट यहीं से देख सकते हो कि भी जो ये अबनॉर्मल गेन हुआ मुझे 1 लाख का, ये मुझे अबनॉर्मल गेन का मतलब क्या है, अबनॉर्मल गेन का मतलब है कि जो हमें कभी कभी होता है ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, ठीक है हम नॉर्मल एक्सपेंसेस है नॉर्मल प्रॉफिट है उसी को हम पी एंड एल अकाउंट के अंदर दिखाते हैं, जो अबनॉर्मल होगा उनको हम नहीं दिखाएंगे, बट हमने गलती कर दी हमने इसको अपने पी एंड एल अकाउंट में दिखा दिया 1 लाख को, 1 लाख को दिखा दिया, तो इस वजह से हमारा जो प्रॉफिट है ना वो 1,50,000 हो चुका है। तो भाई इसको यहाँ पे सोल्व करने के लिए इसलिए हम लिखते हैं कि भी अगर अबनॉर्मल गेन आपका गिवन है क्वेश्चन में तो उसको डिडक्ट करो, तो अब मैं इसको डिडक्ट ही तो करूंगी ना, अब अगर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे 50,000 ने देखे, ठीक है मेरा 50,000 ने देखे 2021 में अगर मेरा प्रॉफिट कितना गिवन है 1,50,000 और फिर मेरा एडजस्टमेंट में गिवन है कि भाई आपको अबनॉर्मल गेन दे रखी है 1 लाख रुपए की, तो इसका मतलब क्या है कि भाई अब मुझे एडजस्टमेंट क्या करनी होगी, जो 1 लाख का अबनॉर्मल गेन है इसको माइनस करना होगा, इसलिए हम प्रॉफिट में से माइनस करते हैं, क्योंकि जब हम माइनस करेंगे अब 1 लाख प्रॉफिट में से तो अपने आप ही देखिए यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो 50,000 आ जाएगा ना, और इसका नेट इफेक्ट यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या इफेक्ट होगा, यहाँ पे अब देखिए अगर मैं 1,50,000 लेके 2021 का जो प्रॉफिट है उसको 1,50,000 लेके अगर मैं यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकालती तो अब देखिए मेरा यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, अब मुझे 50,000 नहीं लेना, ठीक है अब इसको भूल जाइए, अब हमने गलती हम जो गलत कर रहे ना अब वो देखिए हमने ले लिया 2021 का प्रॉफिट 1,50,000, वैसे हमारा 50,000 था, गलती हमने क्या की 1 लाख को भी हमने प्रॉफिट मान लिया, तो अब ये ले लिया तो अब मेरा यहाँ पे जो एवरेज प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा मेरा ये 2 लाख था ना, मेरा 3 लाख हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट, ठीक है इसको ऐड करोगे ना 40,000 1,50,000 45,000 65,000 तो ये कितना आएगा 3 लाख आएगा, और 4 से जब मैं इसको डिवाइड करूँगी तो ये आ जाएगा मेरा यहाँ पे 7 पे जाएगा ये 75,000, ठीक है अब नॉर्मल गेन की वजह से मेरा एवरेज प्रॉफिट क्या है 75,000, अब यहाँ पे जो मैं गुडविल की वैल्यू निकालूंगी तो अब मेरी गुडविल की वैल्यू क्या आएगी 75,000 मेरा एवरेज प्रॉफिट निकल के आया अब, और 3 ईयर्स है तो ये आ जाएगा मेरा यहाँ पे आएगा 2,25,000। देखिए अगर मैं जो अपना प्रॉफिट है ना अगर मैं एडजस्टमेंट को कंसीडर नहीं करती या मैं करेक्ट प्रॉफिट है उसको लेके नहीं चलती तो उस केस में फिर जो प्रॉफिट गिवन अगर डायरेक्ट मैं उन्हीं को ले लेती तो उस केस में मेरी गुडविल की वैल्यू कितनी निकल के आती 2,25,000, और एक्चुअल में मेरी गुडविल की वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी 1,50,000।
ठीक है, एक्चुअल में कितनी आनी चाहिए थी, क्योंकि एक्चुअल में तो भाई 2021 का प्रॉफिट कितना है, 50,000 है, तो इस वजह से एक्चुअल में मेरी गुडविल बन रही है 1,50,000, बट हमने गलती की, और अगर मैं उस गलती को लेके ही चलती तो मेरी गुडविल देखिए अलग निकल के आती। तो इसलिए भाई ये सिस्टम आपका बनाया है कि अगर आपके एडजस्टमेंट गिवन है, ठीक है, आपके जो प्रॉफिट गिवन है और जो प्रॉफिट में जो भी प्रॉफिट गिवन है उससे पहले अगर एडजस्टमेंट गिवन आपने उन एडजस्टमेंट को नहीं किया तो उन एडजस्टमेंट को कीजिए और उसके बाद करेक्ट प्रॉफिट निकाल लिए और फिर करेक्ट प्रॉफिट के बेस पे ही आप गुडविल को कैलकुलेट कीजिए, तो ये आपका इफेक्ट आएगा। इसलिए मैंने आपको ये एग्जांपल से समझाया और ये मैंने आपको समझा ही दिया। अब ये गेन है तो इसको हम क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा ये हो गया, सेकंड देखिए यहां पे अब नॉर्मल गेन मैंने आपको कराया, ठीक है। अब देखिए सेकंड हमारा क्या है, अब नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस जैसे वही सेम हमारा, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर मैंने फिक्स्ड एसेट है उसको सेल आउट किया है और उस पर मुझे लॉस हुआ तो मेरा क्या कहलाएगा, अब नॉर्मल लॉस। इसी के साथ ही लॉस बाय फायर, आग लग गई भाई, आग लगने से अगर लॉस हुआ है, ठीक है, वो भी अब नॉर्मल लॉस है। इसी के साथ ही लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गई, तो ये भी हमारा क्या है, अब नॉर्मल लॉस है। तो ये सारे किसके अंदर आएंगे, आपके अब नॉर्मल लॉस के अंदर। इसी के साथ ही एक और इसके अंदर, अरे याद रखना, वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन, वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन, ठीक है। तो वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन का मतलब क्या है कि भाई टाइम से पहले ही अगर यहाँ पे रिटायरमेंट किसी ने ले ली तो फिर उसको जो कंपनसेट हमें करना पड़ा, तो ये भी हमारे किस में आएगा, अब नॉर्मल में, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे किसके अंदर आ गए, अब नॉर्मल लॉस के अंदर। तो भाई अब नॉर्मल लॉस को अब हम क्या करेंगे, देखिए अब नॉर्मल गेन को हमने डिडक्ट किया प्रॉफिट में से, तो अब नॉर्मल लॉस को हम क्या करेंगे, ऐड। अब नॉर्मल लॉस को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब इसको ऐड हमने क्यों किया, इसको भी आप इसमें लेके चल सकते हो। सेम एग्जांपल अगर मैं लूँ, अब ये मान के चलिए, ठीक है, अब सेम क्वेश्चन था आपका, यही वाला क्वेश्चन। अब की बार आपको यहाँ पे 2021 में मान के चलती हूँ, ठीक है। सेम क्वेश्चन है हमारा, पहले जो गुडविल थी वो 1,50,000 आई अगर जब हमने सही किया, बट हमने क्या किया 2021 में ना, हमें लॉस बाय फायर हमें हुआ, वही मैं मान के चलती हूँ, कितने का, 1,00,000 रुपये का हमें नुकसान हुआ। अब 1,00,000 रुपये का नुकसान हुआ 2021 में, तो हमने इसमें दिखा दिया। अब इसमें हम, मैं अगर दिखाऊंगी तो वैसे तो 50,000 का प्रॉफिट था, अब 1,00,000 का लॉस है, तो इसकी वजह से अब मेरा 2021 में प्रॉफिट नहीं है। अब मेरा 2021 में क्या आया, लॉस आया मेरा। अब मेरा 2021 में क्या आया, लॉस आया, क्योंकि मैंने 1,00,000 रुपये है लॉस के भी दिखा दिए, ठीक है, जो कि नहीं दिखाने थे। अब देखिए, अब इस वजह से जो लॉस बाय फायर है अगर उसको मैंने पे एंड अकाउंट में दिखा दिया तो उस वजह से यहाँ पे मेरा प्रॉफिट 50,000 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, और जो कि कम नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था, क्योंकि लॉस बाय फायर क्या है, एक अबनॉर्मल लॉस है। जो एक अबनॉर्मल लॉस होगा उसको हम पी एंड एल अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, बट हमने दिखाया, हमने गलती की है, गलती की तो भैया अब उसको सुधारेंगे। अब उस गलती की वजह से हमारा जो 50,000 रुपये है उससे हमारा प्रॉफिट कम, यहाँ पे कम हो गया 50,000 रुपये प्रॉफिट। तो इसलिए भाई वो कम हुआ ना, भाई उसको हमें उसी पोजिशन पर लेके आना प्रॉफिट को, तो इसलिए उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो उसके पीछे रीजन ये है। तो आपको याद रखना, अगर गेन है तो उसको माइनस करो, और अगर हमारा अबनॉर्मल लॉस है तो उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो दो एडजस्टमेंट हमारी हुई, ठीक है, और इसका इफेक्ट है ना, आप यहाँ पे सेम करके देखना, जैसे मैंने गेन का बताया तो यहाँ पे गुडविल पे इफेक्ट आएगा, गुडविल आपकी अलग निकलेगी, ठीक है। अगर आप कहोगे तो कमेंट सेक्शन में बता लेना, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में बता दूंगी, क्योंकि अब एक एक करूंगी तो ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, ये मैंने आपको दो एडजस्टमेंट मैंने आपको बताई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई। आप जब क्वेश्चन सोल्व करोगे, इलस्ट्रेशन है या फिर पीछे से एक्सरसाइज क्वेश्चन सोल्व करोगे, तो यही एडजस्टमेंट के अंदर आपको यही गिवन होंगे, अब नॉर्मल गेन है, लॉस है, या फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट होगी हमारी क्या, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। देखिए अगर क्लोजिंग स्टॉक है ना, उसका हमने क्या कर लिया, ओवर वैल्यूएशन कर लिया। ओवर वैल्यूएशन का मतलब क्या, जो उसकी कीमत है ना उसको हमने बढ़ा के ले लिया, ज्यादा करके ले लिया, तो वो हमारा ओवर वैल्यूएशन कहलाएगा। तो अगर हमने ऐसा किया है तो उसको अब हम क्या करेंगे, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन, तो ओवर वैल्यूएशन अगर हमने किया है तो उसको हम क्या करेंगे, डिडक्ट हम करेंगे। अगर हमारा क्या है,
ओवर वैल्यूएशन होगा अगर क्लोजिंग स्टॉक का, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। अच्छा आप देखिए, अगर क्लोजिंग स्टॉक, जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका ओवर वैल्यूएशन कर लिया, मीन्स हमने ज्यादा उसको दिखा दिया, अगर क्लोजिंग स्टॉक को हम ज्यादा दिखाएंगे तो आप ही बताइए जो हमारा प्रॉफिट है वो क्या होगा, कम हो जाएगा ना। यहाँ पे करके देख लीजिए, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिंग अकाउंट है, या पे ऐसी मैं अपने मन से फिगर ले रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारी बाय सेल गिवन है 1,00,000 रुपए की, और उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आएगा, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक है 10,000 रुपए का, फॉर एग्जाम्पल नेट परचेज है हमारी यहाँ पे 70,000 रुपए की, ठीक है। और उसके बाद हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे हैं यहाँ पे 5,000 के, ठीक है, ये हमारी फिगर गिवन है। और यहाँ पे हमारा क्लोजिंग स्टॉक, अब देखिए जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, एक्चुअल में क्लोजिंग स्टॉक था, मैं मान के चलती हूँ 12,000 का, ये था हमारा एक्चुअल में, बट हमने क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन कर लिया, 3,000 से ओवर वैल्यूएशन हमने कर दिया क्लोजिंग स्टॉक का, मीन्स 3,000 से ज्यादा दिखा दिया, तो इट मीन्स हमने 12,000 का स्टॉक था, हमने दिखा दिया कितना, 15,000। पहले मैं एक्चुअल में लेके चलती हूँ, देखिए एक्चुअल में था मेरा क्लोजिंग स्टॉक 12,000, ठीक है। अगर मैं सही करती तो मैं ऐसे करती, सही करती तो मैं ऐसे करती, ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना लेके चलती, 12,000, तो इस साइड का टोटल मेरा कितना आ जाता, 1,12,000, और यहाँ पे आ जाता मेरा ग्रोस प्रॉफिट, या फिर प्रॉफिट मान के चलिए आप इसको, ठीक है, ये प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट। अब आप इसको सोल्व कीजिए, 10, 70, 80 और 85, ठीक है, तो 1,12,000 में से 85 माइनस कीजिए, ये आएगा आपका 27,000, ठीक है, ये आएगा आपका 27,000। तो भाई आपका जो प्रॉफिट था ना वो कितना आया, 27,000। अगर आप सही करते तो आपका ये रहता, बट आपने क्या कर दिया, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका ओवर वैल्यूएशन कर दिया। और मैं कह रही हूँ भाई आपने कितने से ओवर वैल्यूएशन कर दिया, 3,000 ज्यादा दिखा दिए, तो 3,000 ज्यादा दिखाने का मतलब क्या है, आपने यहाँ पे 12,000 ना दिखाकर आपने यहाँ पे कितने दिखा दिए, 15,000 दिखा दी। अब यहाँ पे आप 15,000 दिखाओगे तो अब यहाँ पे जो आपकी क्रेडिट साइड है, ठीक है, इसका टोटल 1,12,000 ना आकर कितना आएगा, अब 1,15,000 आएगा। अब 1,15,000 आएगा तो अब आपका जो ग्रोस प्रॉफिट है वो भी चेंज होगा, अब ग्रोस प्रॉफिट हमारा कितना आएगा, ठीक है, अब हमारा ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा 30,000, ठीक है। अब जो ग्रोस प्रॉफिट है वो 27 आ गए, अब 1,15,000 में से ना यहाँ पे 85 आप माइनस करोगे तो 30,000 हमारा ग्रोस प्रॉफिट आया। तो देखिए जो हमने गलती की, हमने जो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक किया, उसकी वजह से हमारा क्या हुआ, जो हमने क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है, जो क्लोजिंग स्टॉक है, जब हमने उसका क्या किया, ओवर वैल्यूएशन हमने ज्यादा दिखा दिया, तो हमारा जो प्रॉफिट है, ठीक है, ओवर वैल्यूएशन की वजह से हमारा अब प्रॉफिट भी क्या हो गया, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे ज्यादा आएगा। अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक हमने ओवर वैल्यूएशन कर दिया, तो उस वजह से देखिए 3,000 से हमने ओवर वैल्यूएशन हुआ हमारा, ज्यादा हमने क्लोजिंग स्टॉक को दिखाया, तो 3,000 का ही इफेक्ट हमारा कहाँ पे देखने को मिला, प्रॉफिट में, प्रॉफिट भी हमारा 3,000 से बढ़ गया। बट ये जो हमने की है, जो ओवर वैल्यूएशन किया, ये हमने गलत किया, गलती हमने की है, तो भाई इस गलती को अब ठीक करेंगे, तो इट मीन्स जो 3,000 से हमारा प्रॉफिट बढ़ा हुआ है उसको अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इसलिए हम ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक उसको क्या करते हैं, डिडक्ट। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, अगर क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन आपने बढ़ा के दिखाया तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ आएगा, जो कि गलत है, हमें अब प्रॉफिट क्या करना होगा, कम करना होगा, तो इसी वजह से हमने क्या किया है, डिडक्ट यहां पे किया है ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, आया समझ में। अच्छा इसी तरह से हमारा नेक्स्ट जो होगा, यहां पे करके दिखा देती हूं मैं, क्योंकि उसी में करेंगे। अब ये तो हमारा ओवर वैल्यूएशन है, अब हमारा नेक्स्ट क्या है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। फोर्थ हमारी एडजस्टमेंट क्या होगी, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब आपने क्या किया भाई, अब फोर्थ जो एडजस्टमेंट, इसमें आपने क्या किया, अब जो क्लोजिंग स्टॉक है ना उसकी वैल्यू आपने अंडर कर दी, अंडर वैल्यू कर दिया उसको, मतलब कि कम पे आका, ठीक है, कम आपने दिखाई तो कम दिखाई। अब आपने क्या किया, जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यू आपने कम कर दी, अब कम करी तो प्रॉफिट भी हमारा क्या होगा, कम होगा। अब यहां से देखिए सेम क्वेश्चन, अगर मैं कहूँ अब हमने क्या किया भाई, हमारा एक्चुअल में क्लोजिंग स्टॉक था 12,000 का, ठीक है, अब हमने उसको अंडर वैल्यूएशन कर दिया, अंडर वैल्यूएशन किया। देखिए जब हमारा, यहां से देखिए आप, जब हमारा एक्चुअल में प्रॉफिट 12,000 था, सॉरी हमारा क्लोजिंग स्टॉक जब एक्चुअल में 12,000 था,
तो हमारा प्रॉफिट कितना निकला था 27,000, जो कि सही प्रॉफिट था। लेकिन हमने गलती क्या की, 12,000 ने दिखा के उसके उसको अंडर वैल्यूएशन कर दिया। अंडर का मतलब है 2,000 से हमने उसकी वैल्यू कम कर दी, अंडर वैल्यू कर दिया 2,000 से। इट मींस हमने 12,000 का नहीं दिखा कर अब हमने उसको कितने का दिखा दिया, 10,000 का दिखा दिया। तो अब देखो अगर हम 10,000 का दिखाएंगे तो अब आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसकी क्रेडिट साइड का जोड़ कितना आएगा, 1,10,000 आएगा। और यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट अब कितना आएगा, अब ग्रोस प्रॉफिट कितना आएगा आपका, 1,10,000 में से आप 85,000 माइनस करोगे, ठीक है। 1,10,000 में से आप 85,000 माइनस करोगे तो ये आएगा 25,000। अब आपका प्रॉफिट कितना आएगा, 25,000, ठीक है। प्रॉफिट कितना आएगा, 25,000, आना कितना चाहिए था 27,000। तो फिर से देखिए अंडर वैल्यूएशन का मतलब क्या है, जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी जो वैल्यू है वो हमने कम लगाई। 12,000 का क्लोजिंग स्टॉक था, हमने 2,000 से कम उसकी वैल्यू दिखाई। इट मींस हमने क्लोजिंग स्टॉक कितने का दिखा दिया, 10,000 का दिखा दिया, 2 से कम दिखा दिया। अब उस वजह से हमारा प्रॉफिट भी कितना निकल के आया, 25,000। और एक्चुअल में आना कितना था, अगर हम उसको 12,000 प्रॉफिट क्लोजिंग स्टॉक अगर हम रखते तो हमारा प्रॉफिट किस कितना निकल के आता, 27,000। अब हमारा 25 है तो हमारा प्रॉफिट भी 2,000 से कम हो गया। तो क्लोजिंग स्टॉक का अगर हमने अंडर वैल्यूएशन किया है तो प्रॉफिट भी हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। अगर हम ये गलती करेंगे तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। अभी प्रॉफिट कम हो गया और ये होना नहीं चाहिए था, तो अब प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, अब हम बढ़ाएंगे। अब बढ़ाएंगे तो इसका मतलब क्या, अगर अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है तो उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तभी तो बढ़ेगा, ठीक है। तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक होगा उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट, देखिए आप फिफ्थ एडजस्टमेंट, ये हमने बात की क्लोजिंग स्टॉक की, अब हम बात करेंगे ओपनिंग स्टॉक की, ठीक है। जैसे हमने क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन किया तो सेम वे में होगा हमारा ओपनिंग स्टॉक का। अब है ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, आपने क्या किया, जो ओपनिंग स्टॉक है उसका ओवर वैल्यूएशन कर लिया, ओपनिंग स्टॉक है उसको ज्यादा दिखा दिया, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक अगर आप ज्यादा लोगे तो प्रॉफिट आपका क्या होगा, कम हो जाएगा अगर आप ऐसा करोगे, ठीक है। अब देखिए इसको भी इसी क्वेश्चन से सेम क्वेश्चन हम लेंगे। अब हम यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की बात ना करके ओपनिंग स्टॉक की बात करेंगे, ठीक है। अब हमारा क्लोजिंग स्टॉक को हम फिक्स रखेंगे, हमारा है 12,000। अब देखिए अब ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन किया आपने, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक आपका एक्चुअल में था 10,000 का और आपने ओवर वैल्यूएशन कर दिया ओपनिंग का, तो ओवर वैल्यूएशन करके अब आपने 10,000 ने दिखा के 12,000 दिखा दिए, तो 12,000 आपने ओपनिंग स्टॉक दिखा दिया और एक्चुअल में था 10 का, आपने गलती कर दी, ओवर वैल्यूएशन ज्यादा वैल्यू दिखाई तो 2,000 से ज्यादा दिखाई, तो यहां से 2,000 से आपकी साइड ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ज्यादा हो जाएगी, अभी तक हमारा 85 जो हमारी डेबिट साइड थी उसका टोटल हमारा कितना आ रहा था, 85। अब 2,000 से मैं ज्यादा दिखाऊंगी तो अब मेरा टोटल कितना हो जाएगा, 87, और उस साइड का जोड़ मेरा कितना है, 1,12,000। तो अब मेरा प्रॉफिट कितना निकल के आएगा, 25, ठीक है। अब मेरा प्रॉफिट कितना निकल के आएगा, 25। जब मैं ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन करूंगी तो मेरा देखिए जो प्रॉफिट है वो कितना निकल के आया, 25। और अगर मैं सही रखती तो मेरा प्रॉफिट 27 ही आना था, ठीक है। तो इसका मतलब है कि भी ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक का मतलब है कि हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। तो भी अब हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। जो ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक होगा उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारी सिक्स्थ है अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अब हमने क्या कर दिया, जो ओपनिंग स्टॉक है उसकी वैल्यू कम कर दी, अंडर वैल्यूएशन कर दिया। यहाँ पे वैल्यू हमने कम दिखा दी, 10,000 का ओपनिंग स्टॉक था एक्चुअल में, बट हमने यहाँ पे 8,000 दिखा दिया, अब हमने कम कर दिया, अब 2 से कम कर दिया ना। तो अगर हमारा अंडर वैल्यूएशन होगा, ठीक है, तो अब हमारा जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हमारा बढ़ जाएगा। अब यहाँ से 2 कम कर दूंगी तो सीधी सी बात, अभी एक्सपेंस मेरा कम हो जाएंगे, कम हो जाएगा तो प्रॉफिट मेरा बढ़ेगा, जो कि मैंने गलत कर दिया। तो भाई अब मैं इसको ठीक करूंगी, अब मैं इसको क्या करूंगी, डिडक्ट करूंगी, माइनस करूंगी, क्योंकि भाई जो प्रॉफिट है वो मेरा कम नहीं होना चाहिए था, ठीक है। और अंडर वैल्यूएशन मैंने किया, इस वजह से मेरा प्रॉफिट है वो ज्यादा हुआ, और प्रॉफिट मेरा ज्यादा नहीं होना था, इसलिए मैं उसको क्या करूंगी, डिडक्ट कर दूंगी, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो यहां से अगर मैं आपको अच्छे से बताऊं याद रखने के लिए, तो यहाँ पे ना आप जो देखिए जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका, देखिए यहाँ पे जो क्लोजिंग, ऐसे याद रख सकते हो, जो क्लोजिंग स्टॉक है ना उसका प्रॉफिट के साथ है डायरेक्ट रिलेशन। अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन है,
अगर क्लोजिंग स्टॉक हमने ओवरवैल्यूड कर दिया तो प्रॉफिट भी हमारा बढ़ेगा, ठीक है। अगर क्लोजिंग स्टॉक का हमने अंडरवैल्यूएशन कर दिया तो प्रॉफिट भी हमारा क्या होगा, कम होगा। और वहीं पे जो ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक का यहाँ पे क्या है, इनवर्स रिलेशन है। अगर ओपनिंग स्टॉक का हमने ओवरवैल्यूएशन किया है तो हमारा जो प्रॉफिट है, जो हमारा प्रॉफिट है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर ओपनिंग स्टॉक का हमने क्या किया है, अंडरवैल्यूएशन किया है तो प्रॉफिट हमारा बढ़ जाएगा। तो ये इनवर्स रिलेशन है, ये क्या है, इनवर्स रिलेशन है। और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्या करोगे, ऐड या जो मैंने आपको बताया उसको डिडक्ट करोगे, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है वो क्या है, जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, जो मैं आपको भी नेक्स्ट बताऊंगी, सेवंथ एडजस्टमेंट है ये आपकी बहुत ज्यादा इसको, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको बोल सकते हैं। और यही आपको, ये जो एडजस्टमेंट मैं आपको बता रही हूँ ना, यही देखने को मिलेगी। तो हमारी है व्हेन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, सेवंथ एडजस्टमेंट है, व्हेन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। आपने क्या किया, जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर था तो भाई रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और आपने इसको ट्रीट कर लिया कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है वो पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड में आना चाहिए था, ठीक है। बट आपने गलती क्या की, उसको आपने एसेट मान लिया। अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या, एसेट मान लिया, और एसेट मान के आपने उसको कहां पे दिखा दिया, बैलेंस शीट में दिखा दिया। तो ये आपने गलती की है। तो अब इसका सुधार हम कैसे करेंगे, या इसका जो हमारा प्रॉफिट है उस पर क्या असर होगा। अब देखिए, व्हेन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो पहली गलती हमने क्या की कि हमने उसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ही नहीं माना। तो अब मानना पड़ेगा, अब उसको मानूंगी तो भाई अब मैं उसको पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाऊंगी। पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाने का मतलब क्या है, मेरा एक्सपेंस बढ़ जाएगा। एक्सपेंस बढ़ने का मतलब क्या है कि मेरा प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। आई बात आपको समझ में, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, मेरा एक्सपेंस बढ़ जाएगा और प्रॉफिट मेरा कम हो जाएगा। तो भाई प्रॉफिट अब कम हो जाएगा तो भाई अब मैं इसको क्या करूंगी, ये जो भी मेरा खर्चा है जिसको मैंने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर माना था, तो भाई अब इसको डिडक्ट करके दिखाऊंगी मैं अपने प्रॉफिट में से। तो फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या है, व्हेन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो उसको आपको क्या करना है, डिडक्ट करना है। वो मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से बता दिया, क्योंकि भाई करना था, हमने नहीं किया तो अब करेंगे तो भाई अब उसको पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे, क्योंकि भाई वो एक्सपेंस है, ठीक है। अब एक्सपेंस है तो उसकी वजह से प्रॉफिट कम होना चाहिए था, हमने नहीं किया था तो इसलिए अब हम प्रॉफिट कम करके दिखाएंगे, उसको डिडक्ट करेंगे। अब देखिए सेकंड, इसी के साथ ही आपको एक एडजस्टमेंट गिवन होगी। अब अगर आपने उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया था, ठीक है, आपने उसको अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करने का मतलब क्या, आपने उसको एसेट मान लिया था। एसेट मान लिया था तो कई बार क्वेश्चन में गिवन होगा कि भाई ये एसेट है ना, इस पर हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया। अब आपने उसको एसेट मान लिया तो आपने डेप्रिसिएशन लगाया, आप ये गलती कर रहे हो अभी, गलत ये, ठीक है। आपने उसको एसेट मान लिया, एसेट मानना ही नहीं था बट आपने मान लिया। अब मान लिया तो भाई आपने उसको डेप्रिसिएशन लगा दिया। अब आपने उस पर डेप्रिसिएशन लगा दिया तो डेप्रिसिएशन को आपने कहाँ पे चार्ज कर दिया, पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड में। अब डेप्रिसिएशन की वजह से आपका प्रॉफिट कम हो गया, जो कि नहीं होना था। क्यों नहीं होना था भी, हमने डेप्रिसिएशन ही नहीं लगाना था। अब डेप्रिसिएशन नहीं लगाते तो फिर हमारा प्रॉफिट ही कम नहीं होता। बट हमने गलती कर दी, हमने उसको एसेट मान लिया, एसेट मान के उस पर डेप्रिसिएशन लगा दिया। डेप्रिसिएशन लगाया तो अब हमारा पीएनएल अकाउंट है वो कम हो गया, हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो गया। अब कम हो गया तो भी अब हम उसको बढ़ा लेंगे। इट मीन्स अगर डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया है तो अब आप उसको क्या करोगे, ऐड करोगे। अब आप उसको क्या करोगे, ऐड करोगे, अब आप अपना प्रॉफिट बढ़ा लोगे, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। दो सिचुएशन यहाँ पे निकलेगी आपकी सेवंथ एडजस्टमेंट के अंदर, जब आपने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को ट्रीट किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो उस केस में आप जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है, जो भी खर्चा है, जैसे मैं यहाँ पे बोलती हूँ 5000 का हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर था, एक रिपेयर थी 5000 की, फॉर एग्जाम्पल एक रिपेयर थी 5000 की, और उसको मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया। मैंने सोच लिया कि भी मैंने 5000 की ना कोई एसेट खरीदी है, ये मैंने गलती कर दी। तो अब सुधार क्या करूंगी, भाई रिपेयर थी तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में जानी चाहिए थी, तो अब जाएगी तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इसलिए फर्स्ट ट्रीटमेंट आपका डिडक्ट, सेकंड हमने जो गलती की, अब उस 5000 पे मैंने डेप्रिसिएशन लगा दिया। अब डेप्रिसिएशन लगना नहीं था और मैंने लगा दिया तो मेरा फिर प्रॉफिट डेप्रिसिएशन से कम हो गया, जो भी डेप्रिसिएशन अमाउंट है अब उससे कम हो गया, तो अब मैं उसको बढ़ाऊंगी भाई, उसको ऐड करूंगी, ठीक है।
नेक्स्ट हमारी सेम एडजस्टमेंट है. अब हमारा चेंज क्या है, अब आपने क्या किया, व्हेन कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड, अब आपने क्या किया, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको ट्रीट किया एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसका उल्टा कर दिया अब आपने. ठीक है, अब आपने वहां पे रिवेन्यू को कैपिटल माना था, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर था, कोई एसेट आपने परचेज की थी और उसने आप उस आपने क्या किया, उसको एसेट न दिखाकर, उसको बैलेंस शीट में न दिखाकर आपने उसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, इट मीन्स आपने उसको पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा दिया. ये आपने गलती कर दी, एसेट तो आपने माना नहीं उसको और आपने उसको क्या मान लिया, पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में उसको दिखा दिया, एक्सपेंस मान लिया. अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ठीक है, अब देखिए, अब आपने गलती की है ना, पी एंड एल अकाउंट की डेबिट में दिखाया जो कि नहीं दिखाना था, लेकिन आपने गलती कर दी, दिखा दिया तो उस गलती को सुधारेंगे. तो डेबिट में दिखाने का मतलब क्या है कि भी आपने खर्चा दिखा दिया था, उस वजह से आपका प्रॉफिट कम हो गया था, आपने उसको रिवेन्यू मान लिया था तो आपका प्रॉफिट कम हो गया था, लेकिन ये आपको नहीं करना था. तो अब आप इसको क्या करोगे, यहाँ पे जो भी अमाउंट होगा उसको आप ऐड करोगे प्रॉफिट के अंदर, क्या करोगे, ऐड करोगे प्रॉफिट के अंदर. ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे आपने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है इसको डिडक्ट किया था, यहाँ पे आप ऐड करोगे, ठीक है, उल्टा चलेगा. अब भी क्योंकि वो एसेट थी तो भाई अब उस पर डेप्रिसिएशन भी लगना था, लेकिन आपने नहीं लगाया था तो अब लगाओगे तो अब इसको क्या करोगे, यहाँ पे प्रॉफिट में से डिडक्ट करोगे, ये यहाँ पे ऐड किया था ना डेप्रिसिएशन को, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे डिडक्ट करोगे क्योंकि यहाँ पे डेप्रिसिएशन आपको देना है, और डेप्रिसिएशन देने का मतलब क्या है, पेंडल से चार्ज करेंगे हम, पेंडल से चार्ज करने का मतलब क्या है, पेंडल की डेबिट साइड में जाएगा, पेंडल की डेबिट साइड में जाने का क्या मतलब है, हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो प्रॉफिट हमें कम करना है, ठीक है, कम करना तो डिडक्ट करेंगे. तो ये होंगे आपके इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है, तो ये आपके आठ ट्रीटमेंट है भाई जो कि इम्पोर्टेंट है. इसी के साथ ही आपको कई बार है ना क्वेश्चन के अंदर, नेक्स्ट मैं एक एडजस्टमेंट और लिखवा देती हूँ जो कि लास्ट ही होगी आपकी, ठीक है. तो कई बार है ना आपको क्वेश्चन में ऐसे गिवन होगा मैनेजमेंट कॉस्ट या फिर पार्टनर्स रेमुनरेशन आपने दिया, इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है, तो इसको हम बोलते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, फ्यूचर एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस. अगर आपके ये गिवन है फ्यूचर एक्सपेक्टेड, इसमें क्या क्या आ जाएगा, मैनेजमेंट कॉस्ट आ जाएगी इसमें, ठीक है, और इसी के साथ ही जैसे रेमुनरेशन टू पार्टनर्स, सैलरी, रेमुनरेशन का मतलब यहाँ पे आप सैलरी लिख सकते हो, भाई हमने सैलरी दी है किसी पार्टनर को, ठीक है. इसी के साथ ही आपने इंश्योरेंस प्रीमियम है एनुअल बेस पे, तो ये सारे के सारे क्या, फ्यूचर एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, तो भाई हाँ ये एनुअल बेस पे हमारे होंगे तो हम इनको क्या करेंगे, हम इनको करेंगे माइनस, अगर ऐसा आपका क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है. तो ये था इसके अंदर आपका, और इसके अलावा यहाँ पे है आपका, हाँ एक और आपको याद रखना है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, एक आपका नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, साथ के साथ नोट डाउन कर लीजिए आप ये, ठीक है. नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस को हम क्या बोल सकते हैं, नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, ठीक है, नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, भाई जो फ्यूचर में नहीं होंगे, हम एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे, तो भाई हमारे नॉर्मल नेचर का तो नहीं हुआ ये, वैसे एक्सपेंस है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम करेंगे ऐड. अगर ये आपके इस तरह का अगर कोई एक्सपेंसेस गिवन है जिसकी नेचर क्या है, नॉन रिकरिंग, तो उसको हम क्या करेंगे, प्रॉफिट में ऐड करेंगे, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. तो ये आपकी सारी की सारी दस आपके कम से कम ये एडजस्टमेंट है जो मैंने आपको बताई है. तो आपका चाहे कोई भी क्वेश्चन आप उठा लेना, ये 10 है ना, इन्हीं में से दो चार एडजस्टमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगी. तो अब अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई है, इनका ट्रीटमेंट आपने देख लिया है, वैसे मैंने आपको यहाँ पे पीछे का लॉजिक भी बताया कि भाई हम इनको क्यों ऐड करते, क्यों डिडक्ट करते, अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, और फिर भी नहीं समझ में आया तो भाई फिर तो आपको याद करना ही है, फिर इसको आप थोड़ा अगर कर सको तो थोड़ा सा इसको रट लेना, ठीक है, कि भाई किसको हम ऐड करेंगे, किसको हम माइनस करेंगे. वैसे मैंने बिल्कुल लॉजिक के साथ आपको बताया कि किसको ऐड करेंगे, किसको माइनस करेंगे, ठीक है. तो लॉजिक याद रखना तो फिर आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो ये सारी की सारी 10 एडजस्टमेंट है, इन एडजस्टमेंट से बाहर आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं देखने को मिलेगी. तो किसी में आपको नॉर्मल गेन और लॉस दे देंगे,
और आपका ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक दे देंगे, ठीक है, किसी में कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने रिवेन्यू मान लिया ऐसे दे देंगे। तो बस मैंने क्या कहा, ये 10 एडजस्टमेंट है, इनसे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो इनको लिख लेना, साथ के साथ लिखना चाहिए था वैसे आपको। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक इलस्ट्रेशन करा दूंगी जिसमें काफ़ी सारी हमारी एडजस्टमेंट गिवन होगी। हाँ, ये एडजस्टमेंट करने के बाद ही आपका एडजस्टेड प्रॉफिट निकलेगा, और एक बार अगर आपने एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लिया तो फिर चाहे एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने को आपको कहा जाए या फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट से, तो फिर आप आराम से निकाल लोगे, ठीक है। बच्चा फंसेगा तो इन्हीं एडजस्टमेंट में फंसेगा, जो यहां से निकल गया वो आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर लेगा। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है, और नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, किसी भी एडजस्टमेंट में कोई भी डाउट हो तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना के उसी एडजस्टमेंट को लेकर और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, थैंक यू।